इस वीडियो में और आज तारीख है 20 जून और हमने कल किया था द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप सभी ने ठीक ठाक रिस्पांस दिया है तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक मेरा पेज लाइक कर लीजिए, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा त्रिवेदी अमन 25 @TrivediAman25। अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा और आप उसे लाइक कर देंगे तो वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहता हूँ। सो डू लाइक माई फेसबुक पेज। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको टेलीग्राम का इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पे सारी PDF मिल जाती है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस के बारे में, अनअकैडमी प्लस पर आप सारे कोर्सेज को देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद प्लस पर आप क्लिक करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन होगा यहाँ पर, देखिए जो सबसे सस्ता ऑप्शन है वो है आपका 12 मंथ का, जिसमें आपको सिर्फ 417 रुपये पर मंथ देने पड़ते हैं अगर आप 5000 रुपये देंगे। लेकिन आप 5000 नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप पढ़ेंगे यहाँ पर, सिर्फ कोड डालेंगे अमन त्रिवेदी। जैसे ही आप अमन त्रिवेदी कोड डालेंगे तो ये जो कॉस्ट 5000 दिख रही है ये 4500 हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे तो 10% का डिस्काउंट उस क्रेडिट से भी मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका 4500 है ये 4500 से घर के हट के 4320 हो सकता है और इससे भी कम हो सकता है अगर आपके पास क्रेडिट्स ज़्यादा हैं। सिर्फ महीने के आपके 375 रुपये प्रति माह में आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, पूरी तैयारी मिल सकती है SSC की, फिर चाहे वो क्वांट के कोर्सेज हों, इंग्लिश के कोर्सेज हों, जनरल अवेयरनेस के कोर्सेज हों, जनरल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के कोर्सेज हों, या फिर सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के कोर्सेज हों, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा आपको, जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं सभी की क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। मेरे जो कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, मेरे दो कोर्सेज चल रहे हैं, एक कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑन वर्बल एबिलिटी, जिसमें मैं RC, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और वो कैब, ये चार टॉपिक्स इसमें मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा ये ग्रामर का कोर्स है, इसमें हम ग्रामर प्लस वर्बल की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इन दोनों ही कोर्सेज में ज्वाइन करेंगे तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी Tier 2 के लिए या फिर CGL 2019 के लिए। इसके अलावा अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि 27 जुलाई तक है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सब्सक्राइब करना होगा। सो वंस यू सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी प्लस, आपके लिए सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, आप एक बारी में सारे कोर्सेज देख सक पाएंगे और सारी क्लासेज हमारी यहाँ पर लाइव होती हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं, आप वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जून 2019 के सारे करंट अफेयर्स नहीं, हम डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी द हिंदू न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए पहली न्यूज़ मैंने पढ़ी, सऊदी क्राउन प्रिंस लिंक्ड टू खासोगी मर्डर UN ऑफिशियल। UN ऑफिशियल ने कहा है कि वो इससे लिंक्ड हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई एक ऐसा वर्ड नहीं था जो हम सीखते, तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है यहाँ लिखा है HDFC IRGO स्नैप्स अप अपोलो म्यूनिक हेल्थ फॉर 1.1347 करोड़। अब देखिए यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है स्नैप्स अप, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से विजिबल होगा, ये स्नैप्स अप लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको पता करना है कि स्नैप्स अप की जो है मीनिंग क्या होती है, ठीक है। क्योंकि आपको स्नैप का मीनिंग तो ये पता है, स्नैप का मतलब होता है जो थानोस मार्वल में बजाता है, ठीक है, जो एंड गेम में बजाता है, वो क्या बजाता है, स्नैप ही तो करता है। अगर आपने इंग्लिश में देखी होगी तो सुना होगा स्नैप। तो देखिए अब स्नैप का मतलब क्या है, देखिए मैं आपके लिए सारे वर्ड्स लेकर आया हूँ जितने भी स्नैप से रिलेटेड आपके बनते हैं फ्रेज बनते हैं, आइडियम्स बनते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं बाइट और स्नैप समबडीज हेड ऑफ। बाइट और स्नैप समबडीज हेड ऑफ का मतलब होता है टू शाउट एट समबडी इन एन एंग्री वे, किसी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना विदाउट एनी रीजन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टू शाउट एट समबडी, मैंने आपको पहले ही बताया था SB का मतलब मेरी क्लासेस में समबडी होगा, इन एन एंग्री वे विदाउट एनी रीजन, बिना किसी बात के अगर आप किसी पर चिल्ला रहे हो तो उसके लिए आता है बाइट या स्नैप समबडीज हेड ऑफ। अगला आता है स्नैप योर फिंगर्स, तो स्नैप योर फिंगर्स का मतलब वही होता है जो थैनोस अपनी मूवी में बजाता है या मार्वल एंड गेम में बजाता है, क्या बजाता है, स्नैप चुटकी जो बजाता है उसी को कहते हैं स्नैप योर फिंगर। अगला है आपका स्नैप आउट ऑफ इट, स्नैप आउट ऑफ इट का मतलब क्या होता है, स्नैप आउट ऑफ इट का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू स्टॉप फीलिंग अनहैप्पी और डिप्रेस्ड, टू हेल्प समबडी टू स्टॉप फीलिंग अनहैप्पी। तो स्नैप आउट ऑफ इट का मतलब हो गया किसी समस्या किसी दुख से बाहर आने के लिए आता है, ये टर्म इस्तेमाल होता है किसी समस्या किसी दुख से बाहर आने के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। यू हैव बीन डिप्रेस्ड फॉर वीक
यू हैव बीन डिप्रेस्ड फॉर वीक्स. तो इट्स टाइम यू स्नैप्ड आउट ऑफ इट. यानी कि आप कई वहीं वीक से कई हफ्तों से डिप्रेस्ड हो और ये समय है कि आप उस वीक से उस समस्या से उस परेशानी से उस डिप्रेशन से बाहर आओ. तो स्नैप आउट ऑफ इट का मतलब होता है किसी समस्या किसी दुख परेशानी से बाहर आने के लिए आता है. अगला टर्म आता है स्नैप टू इट. स्नैप टू इट होता है किसी को ऑर्डर देने के लिए कुछ काम करने के लिए. यूज्ड स्पेशली इन ऑर्डर्स टू टेल समबडी स्टार्ट वर्किंग हार्डर और मोर क्विकली. किसी से ये कहने के लिए कि और अच्छे से और तेजी से काम करने लगो, उस सेंस में आता है स्नैप टू इट. ठीक है, टू ऑर्डर समबडी टू स्टार्ट डूइंग क्विकली. टू ऑर्डर समबडी टू स्टार्ट डूइंग सम वर्क क्विकली. सम वर्क क्विकली is called snap to it. अगला है snap something out. snap something out का मतलब होता है to say something in a sharp or unpleasant way. किसी से बहुत ही unpleasant way में कुछ कहना. तो snap something out का मतलब हो गया to say something in a sharp or unpleasant way. देखिए मैं जितनी भी यहाँ पर वोकैब करा रहा हूँ ये कोई भी आपकी एमबी पब्लिकेशन या आपकी कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा आपका जितना भी ये मटेरियल है एकदम फ्रेश है. मतलब ये मुझे नहीं लगता किसी भी बुक्स में ये सारे आपको idioms कवर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे. और ये सब सीख के आपको फ़ायदा होगा अगर आप बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, IBPS की तैयारी कर रहे हैं, RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं या आप बहुत ही और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो श्योरली आपको ये सारी तरीके आपको मदद करेंगी. ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट वाला जो हमारा है स्नैप समथिंग अप, जो कि यहाँ पर यूज़ हुआ था. यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ भी क्या किया था, स्नैप अप यूज़ किया था. तो क्या कह रहे हैं, HDFC इर्गो स्नैप्स अप अपोलो म्यूनिक हेल्थ फॉर 1347 crore. तो इसका मतलब होता है स्नैप समथिंग अप का मतलब होता है टू बाय और ऑब्टेन समथिंग क्विकली बिकॉज इट इज़ चीप और यू वॉन्ट इट वेरी मच. तो मतलब हो गया टू बाय और एक्वायर समथिंग. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि HDFC इर्गो ने इस अपोलो म्यूनिक हेल्थ को 1347 crore में खरीद लिया. तो यहाँ से अगर मीनिंग हमें नहीं पता है स्नैप अप का मतलब खरीदना है, तो हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हम पेज नंबर 15 पर नहीं जाएंगे और हम उसको नहीं पढ़ेंगे जाके कि वो वहाँ पे क्या कह रहा था. तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके जितने भी मैं फ्रेजल वर्ब दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगी. फिर चाहे आप बैंक की तैयारी करना, फिर आप RBI की तैयारी करना, फिर आप SSC की तैयारी करना, हर एग्ज़ाम में आपको ये मदद करेंगी. तो ओवरऑल जो बेसिक चीज़ है जो मेरे इस सेशंस की, मुझे आपको देखिए मैं भी कर सकता हूँ जो हर जगह हो रहा है, मैं भी वो सब कर सकता हूँ कि स्नैप अप की जगह मैं आपको एक चुटकी बना के दिखा देता और बता देता इसका मीनिंग ये है, या फिर कोई भी वर्ड है तो मैं आपके लिए एक निमोनिक बना के दे दूँ, एक कार खड़ी कर दूँ और कार से बता दूँ कि ये देखो मीनिंग होता है. देखिए वो सारी चीज़ें सभी जगह हो रही हैं, वो सब कोई आप लोग हर जगह से देख सकते हो. मेरा मकसद ये है कि आपको न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए, कि न्यूज़पेपर से चार वर्ड निकालकर स्क्रीन पे उनकी निमोनिक देकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा. क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बेटा ना RC कर पाओगे, ना क्लोज टेस्ट कर पाओगे, ना पैराजम्बल कर पाओगे, ना ही ग्रामर सही होगी तुम्हारी. तो न्यूज़पेपर इज़ द लाइफलाइन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पेरेंट. इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ो जितना भी मैं बता रहा हूँ, और ध्यान से बस देखो. अगर नहीं नोट्स बनाने हैं कोई परेशानी नहीं है, एटलीस्ट देखते ही रहो. बाइट स्नैप समबडीज हेड ऑफ, किसी के ऊपर चिल्लाना बेवजह, स्नैप योर फिंगर चुटकी बजाना, स्नैप आउट ऑफ इट किसी समस्या से बाहर निकलना, स्नैप टू इट किसी काम पर लग जाने के लिए ऑर्डर देना, स्नैप समथिंग आउट मतलब हो गया किसी चीज़ को किसी को ऑर्डर देना बहुत ही शार्प और अनप्लीजेंट वे में काम करने के लिए, और स्नैप समथिंग अप का मतलब हो गया टू बाय और एक्वायर समथिंग क्विकली, किसी को अचानक बहुत ही जल्दी से कोई चीज़ खरीद लेना, उस सेंस में आपका ये इस्तेमाल होता है. अब देखिए अगला टर्म हमारा क्या आता है, अगला टर्म यहाँ पर यूज हुआ है इंजर्ड धवन रूल्ड आउट एंड पंत ड्राफ्टेड इन टू स्क्वाड. तो यहाँ पर टर्म क्या यूज हुआ है, पहला तो यूज हुआ है रूल आउट. तो रूल आउट का मतलब शिखर धवन को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया है ओइंग टू हिज इंजरी, तो ये रूल आउट कर दिया यानी कि बाहर निकाल दिया. दूसरा टर्म यहाँ क्या यूज़ हुआ है, ड्राफ्ट इनटू. तो देखिए ड्राफ्ट इनटू का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ड्राफ्ट इनटू का मतलब क्या होता है, देखिए ड्राफ्ट इनटू, ड्राफ्ट के कई सारे मतलब हैं, ड्राफ्ट इनटू यहाँ पर यूज़ हो रहा है. तो ड्राफ्ट इनटू का मतलब क्या हो गया, इंक्लूड करना. देखिए आप सभी ने ड्राफ्ट का मतलब पढ़ा था, आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ड्राफ्ट का मतलब ना पढ़ा हो. ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, खाका तैयार करना, जैसे कहते हैं ना कि सरकार इस चीज़ का, सरकार वन नेशन वन पोल का खाका तैयार कर रही है या एक साथ सारे पोल्स कराने का खाका तैयार कर रही है.
एक तो वो मतलब हो गया, लेकिन ड्राफ्ट इनटू, जब ड्राफ्ट के साथ इनटू मतलब यूज कर लिया तो इसका मतलब हो गया इंक्लूड कर लेना, किसी को शामिल कर लेना, इंडक्ट कर लेना, इनकॉर्पोरेट कर लेना, ठीक है, इंडक्ट कर लेना, इनकॉर्पोरेट कर लेना, रोप इन कर लेना, ये सारे मतलब इनके हो गए। तो ड्राफ्ट इनटू का मतलब हो गया कि किसी को शामिल कर लिया गया है, ठीक। तो यहां से हमने पहले ही सिर्फ हेडलाइन से काफी वर्ड्स हमने सीख लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कहता है पैनल विल स्टडी वन नेशन वन पोल इशू, 11 पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, डीएमके, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस एंड आप, इसकी फोर हेयर मीटिंग यानी फोर आर मीटिंग, चार घंटे की मीटिंग से वो लोग बाहर रहे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आरएस बाईपोस एससी सीक्स ईसी रिप्लाई ऑन पिटीशन, तो देखो ये सीक वर्ड आपको रोज मिलेगा न्यूज़पेपर में, कल भी हमने पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं। सीक मतलब वो चाह रहे किसी चीज को कि वो रिप्लाई दें, वो उसका उनका वेट कर रहे हैं एक तरीके से। यहां बोलते हैं मैपिंग ऑन द ग्राउंड, मैपिंग द मूड, मैपिंग द मूड का मतलब है कि गॉज करना, किसी को पता करना कि क्या चल रहा है, अच्छे से ये पता करना कि मैपिंग द मूड, लोगों के मूड में क्या है या जितनी भी पार्टीज हैं उनके मूड में क्या है, उसको वो क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, गॉज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एक तरीके से, उसे कहते हैं गॉज, आपका गॉज करना, ठीक। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं, कहता है देखिए अ क्राई फॉर द वाटर, इस पे आएंगे, अ क्राई फॉर द वाटर यानी कि वाटर के लिए क्राई, लोग परेशान है पानी के लिए, आप देख सकते हो। यहाँ यूज हुआ है अपोजिशन स्लैम, अपोजिशन स्लैम यूपी गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस ऑन वर्सिटीज, वर्सिटीज जो टर्म यूज होता है ये यूज होता है यूनिवर्सिटी के लिए, न्यूज़पेपर आजकल यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए टर्म यूज कर रहे हैं वर्सिटीज, तो वर्सिटीज ऐसा मत सोचिएगा कि वर्सिटीज का मतलब कुछ और है, वर्सिटीज का मतलब सिंपली क्या है आपका यूनिवर्सिटी। और यहाँ यूज हुआ है स्लैम, स्लैम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसके लिए आता है, अपोजिशन ने बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है यूपी गवर्नमेंट को, किस लिए, जो उनका ऑर्डिनेंस आया है, किसको लेकर ऑर्डिनेंस आया है, यूनिवर्सिटीज को लेकर, उसके बारे में उन्होंने इसको स्लैम किया है। अगला जो हमारा वर्ड है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है कि आपका पॉट ऑफ वो, क्या लिखा है, पॉट ऑफ वो, तो देखिए वो का मतलब क्या होता है, वो का मीनिंग देखिए क्या है, वो का मतलब आपको पता है, आपको कि वो का मतलब होता है सिंपली दुख परेशानी, किसी के बारे में दुख परेशानी को बोलते हैं, समस्या प्रॉब्लम या दुख परेशानी के लिए आता है आपका वो, ठीक। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है द डिफिकल्टीज ऑफ समवन, इस सेंस में आता है, ठीक है, डिफिकल्टीज के लिए आ जाता है वो, तो पॉट ऑफ वो मतलब जो पॉट है वो, एक तरीके से इन्होंने कहा है कि वो है, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से लोग एक्सप्रेस करते हैं, और यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है जब आप पढ़ते हो, जितनी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको यही सब सीखना है कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ से और हम क्या सीख सकते हैं, वट वी कैन लर्न एल्स, वो वी कैन लर्न दैट कि वो का देखिए यहाँ पर दो और मीनिंग यूज हुए हैं, यहाँ पर एक मतलब यूज हुआ है वो बिटाइड समबडी, क्या यूज हुआ है, वो बिटाइड समबडी, तो वो बिटाइड समबडी का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, वो बिटाइड समबडी का मतलब क्या होता है, वो बिटाइड समबडी का मतलब हो जाता है अ फ्रेज दैट इज यूज टू वॉर्न समबडी दैट देयर विल बी अ ट्रबल फॉर देम इफ दे डू समथिंग और डू नॉट डू समथिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कुछ कार्य करना चाहते हो तो आप कहते हो ना कि अगर मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो ये उस तरीके से इस्तेमाल होता है वो बिटाइड समबडी, मतलब किसी से ये कहना, किसी से ये कहने के लिए, किसी को वार्न करने के लिए कि देयर विल बी ट्रबल फॉर देम इफ दे डू समथिंग और दे डू नॉट डू समथिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिखा वो बिटाइड एनी वन who gets in her way, मतलब हो गया वो बिटाइड somebody का मतलब हो गया टू वॉर्न somebody, किसी को वॉर्न करना, फॉर वॉर्न somebody दैट देयर विल बी ट्रबल फॉर देम इफ दे डू समथिंग और डू नॉट, मतलब आप कह रहे हो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो उससे कहते हैं वो बिटाइड समबडी, ठीक। तो ये एक अच्छा idiom है जो आपने नया तरीके से सीखा है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आई थिंक मेरी राइटिंग क्लियर नहीं है तो एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियरली लिख के आपको मीनिंग बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक राइटिंग तो क्लियर एटलीस्ट लिख के दूँ ही, तो चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपका, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, तो मतलब हो जाता है इसका कि टू से समबडी टू से
to warn somebody that there will be trouble if they do or do not do something. ठीक है, तो ये मतलब इसका हो गया, आप इसको यहां से नोट कर सकते हो. ओके, टू वे वो बिटाइड समबडी का मतलब क्या हो गया, टू वॉर्न समबडी दैट देर विल बी ट्रबल फॉर देम इफ दे डू और दे डू नॉट डू समथिंग. अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब अगला देखो, यहां पर एग्जांपल भी मैंने लिखा ही हुआ है, वो बिटाइड समबडी मतलब वो बिटाइड एनीवन हु गेट्स इन हर वे, मतलब जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो बिटाइड कर देगा, यानी कि उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक, चलिए अगला जो हमारा टर्म आ रहा है, मुजफ्फरपुर एईएस डेथ टॉल माउंट्स टू 1115. माउंट्स टू मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एकदम पहाड़ के शिखर पे जा रहा है. टोल मतलब मैंने कल भी बताया था, नंबर ऑफ डेथ्स के लिए यूज़ होता है और ये रोज़ आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा. अगला जो यहाँ पर टर्म है वो लिखा है लैक्स रिगर और वोंट स्टैंड अप टू स्क्रूटनी. तो लैक्स रिगर का मतलब देखिए क्या होता है, रिगर का मतलब यहाँ पर बहुत अलग सेंस में यूज़ हुआ है, और आपका रिगर का मतलब क्या होता है, रिगर का मतलब होता है आपका कि बहुत ही सीवियर होना, बहुत ही ज़्यादा एक कठोर होने के लिए आता है. तो एक तो रिगर का मतलब हो गया द फैक्ट ऑफ बीइंग केयरफुल एंड पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. ठीक है, दूसरा मतलब हो गया बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के सेंस में आता है कि रिगर. ठीक है, लैक्स रिगर मतलब कुछ भी ये ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं करेगा, जैसे ही हम स्क्रूटनी करेंगे ये फिगर्स इनके गलत आ जाएंगे. ठीक है, तो ये कहना चाह रहे थे. इसके बाद बोला है एच सी रैप्स पुलिस फॉर ब्रुटैलिटी इन टैम्पो इंसिडेंट. तो यहाँ पर कह रहा है कि एस सी रैप्स पुलिस, एस सी क्या कर रही है, रैप कर रही है पुलिस को, कि किसके लिए रैप कर रही है, ब्रुटैलिटी इन टैम्पो इंसिडेंट, जो टैम्पो इंसिडेंट के लिए जो आपका जो भी ब्रुटैलिटी हुई है. ब्रुटैलिटी मतलब होता है जो भी एक तरीके से जो बुरी तरीके से चीज़ें होती हैं. ब्रुटैलिटी का मतलब हो गया कि हिंसा हो जो बहुत ही भयावह हो देखने में, उसको कहते हैं ब्रुटैलिटी. ठीक, तो यहाँ पर हुआ क्या है आपका, रैप्स हुआ. रैप मतलब का जो मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए रैप का मतलब हो जाता है आपका, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ. यहाँ पर रैप का मतलब होता है आपका किसी को बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करना. टू हिट अ हार्ड ऑब्जेक्ट और सरफेस मेकिंग अ नॉइस, एक मतलब तो ये हो गया. दूसरा, आप सभी को पता है जैसे रैप करते हैं, जैसे जो गली बॉय में रणवीर सिंह रैप करता है, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी से बोलता है. दूसरा रैप का मतलब जो आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा वो यहाँ पर क्या है, टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली. क्या मतलब है यहाँ पर, टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली. तो ये जो आपके क्रिटिसिज्म के लिए जो वर्ड हैं, ये आपको रोज मिलेंगे अखबार में अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ोगे. जैसे यहाँ लिखा एच सी रैप्स पुलिस, मतलब क्या करती है, हाईकोर्ट ने क्या किया, पुलिस को रैप किया, मतलब पुलिस को क्रिटिसाइज किया, किसके लिए, जो टेम्पो इंसिडेंट में जो भी ब्रुटैलिटी हुई है उसको लेकर. ठीक, आगे बात करें, कहता है अ वाटर क्लिनिक फॉर एलिफेंट्स ओपन्स इन मथुरा. एलिफेंट्स के लिए एक वाटर क्लिनिक ओपन हुआ है मथुरा में. इंजर्ड सिक और गेरियाट्रिक जम्बोज, क्या कह रहा है, गेरियाट्रिक जम्बोज जो भी होंगे उनको ट्रीटमेंट मिलेगा. ठीक है, तो क्या टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, जेरियाट्रिक, सॉरी, ठीक है, दिस इज जेरियाट्रिक नॉट गेरियाट्रिक, माई बैड, दिस इज जेरियाट्रिक. और इसका मतलब होता है जेरियाट्रिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इज कंसर्न विद द केयर ऑफ ओल्ड पीपल. ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन क्या है ये, दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद ओल्ड पीपल. ठीक है, तो वृद्ध लोगों से कनेक्टेड है ये ब्रांच आपकी, तो यहां पर यही इसका मतलब है. आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टर्म यूज हुआ है वो बड़ा ही अच्छा टर्म है. यहां पर इन्होंने यूज किया है कि दिल्ली स्वीट स्पॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू आपका 31 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमें यहाँ पर टर्म मिलता है, एक वर्ड मिलता है स्वीट स्पॉट. देखिए स्वीट स्पॉट का मतलब क्या होता है हम जानते हैं यहाँ से. स्वीट स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्वीट स्पॉट का मतलब होता है आपका कि देखिए एक तो मतलब इतना है क्रिकेट वाला कि एरिया ऑन बैट विच हिट्स द बॉल इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, कि जो बैट में एक एरिया होता है जिससे बॉल को बहुत अच्छे से हिट करते हो. तो एक मतलब हो गया एरिया ऑफ बैट विच हिट्स द बॉल इन मोस्ट इफेक्टिव वे. तो एक तो वो हो गया, ठीक है, स्वीट स्पॉट. दूसरा जो यहां पर यूज हुआ है उसका मतलब होता है कि ये लोकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट. तो एक तरीके से ऐसे समझ लो, कंडीशंस विच प्रोड्यूसेस बेस्ट रिजल्ट्स.
ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दिल्ली स्वीट स्पॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 31 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली का स्वीट स्पॉट क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टडी क्या कहती है, पावर डिमांड डजंट राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन दिस रेंज। यानी कि स्टडी कहती है कि पावर डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती है इस रेंज में टेम्परेचर अगर आप रखते हो, अगर रहता है टेम्परेचर तो। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पर बाकी कोई न्यूज़ नहीं थी। यहाँ कहते हैं कि डीयू क्या है, एडमिशन कर रहा है एडमिशंस फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट फॉर यूजी कोर्सेज टू बी आउट ऑन जून 28, 28 जून को बाहर होगी, लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट लिस्ट हो जाएगा। मैन हेल्ड, हेल्ड मतलब क्या होता है, हेल्ड का मतलब जब भी यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। हेल्ड करने का मतलब गिरफ्तार करना, किसी को अरेस्ट करने के लिए ही आएगा। अक्यूज्ड सस्पेक्टिंग विक्टिम वॉज इन रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आपको यहाँ पर देखो एक मिलेगा जिससे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है, मैन हेल्ड फॉर फ्लैशिंग वुमेन एट मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे फ्लैशिंग का मतलब क्या है, देखिए फ्लैश का मतलब जब इस तरीके से इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है, फ्लैश का मतलब आप सभी को पता है, फ्लैश करना मतलब कुछ दिखाना, फ्लैश का मतलब लाइट फ्लैश करना, उस सेंस में आता है। लेकिन फ्लैश का मतलब ये हो जाता है, अगर आप किसी मेल के इस तरीके से कभी इस तरीके के सेंटेंस में फ्लैश का मतलब यूज़ हुआ है तो इसका मतलब हो गया है कि अगर कोई मेल व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने ऑर्गन्स को, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को शो कर रहा है टू अ वुमेन, तो उसे कहते हैं फ्लैश ऑन समबडी। ठीक है, तो फ्लैशिंग अ वुमेन जब भी इस तरीके से इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि दिस हैज बीन यूज इन दिस सेंस कि देर इज देर वॉज अ पर्सन हु वॉज फ्लैशिंग ऑन विद अ लेडी, यानी कि वो उसको अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाने की कोशिश कर रहा था। दिस वॉज द न्यूज, और ये फ्लैश वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ बताया। मुखर्जी नगर केस, कांस्टेबल थ्रेट्स फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, यूथ स्टैब्ड टू डेथ। स्टैब का मतलब क्या होता है, स्टैब का मतलब होता है आपका किसी को किसी की हत्या करना, चाकू से गोद कर, चाकू से गोद कर हत्या करने के लिए टर्म क्या इस्तेमाल होता है आपका, चाकू से गोद कर जो हत्या करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है आपका स्टैब टू डेथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, बम्प्स अहेड फॉर GMDA's प्लान टू रिवाइव अरावली रोड प्रोजेक्ट। रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना, फिर से जीवित करना उस चीज को। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, 3 सेक्स वर्कर्स गैंग रेप्ड, 7 हेल्ड, 2 एट लार्ज। देखिए मेरे सेशन में आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा, तो अगर आप सोचो कि सर बहुत ही फालतू न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, तो न्यूज़ नहीं कवर कर रहा हूँ मैं, कवर कर रहा हूँ वोकैबलरी। जहाँ भी मुझे वोकैबलरी दिखेगी मैं उसको आपको बताऊंगा। यहाँ क्या बोल रहा है, 3 सेक्स वर्कर्स गैंग रेप्ड एट हेल्ड, हेल्ड मतलब 2-7 जो हैं गिरफ्तार हो गए, 2 एट लार्ज हैं। एट लार्ज का मतलब क्या है, एट लार्ज का मतलब होता है दो सेंस में, एक तो एट लार्ज का मतलब होता है कैसे कि एज अ होल, एक तो मतलब होता है एज अ होल। ठीक है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पब्लिक एट लार्ज, जैसे कि मैंने बोला व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पब्लिक, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पब्लिक एट लार्ज, मतलब हो रहा है कि लोगों का एज अ होल क्या ओपिनियन है। दूसरा एट लार्ज का मतलब होता है किसी डेंजरस पर्सन और एनिमल के फ्री घूमने के लिए, मतलब कोई फ्री घूम रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 जो हैं वो नहीं पकड़ में आए और 7 जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। तो एट लार्ज का और किस सेंस में इस्तेमाल हो सकता है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और ये जो मेरा मकसद है सिर्फ यही बताने से है कि किन शब्दों का यूज और किस तरीके से हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर ओरिजिन ऑफ वर्ड्स पे करा दीजिए, निमोनिक्स दे दीजिए। देखिए निमोनिक्स आपको मेरे सेशंस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको न्यूज़पेपर समझाना। आपको मैं 4 वर्ड देख के उनका निमोनिक देख के उनके एंटोनिम सिनोनिम नहीं याद कराना चाहता, वो आप लोग खुद कर सकते हो और वो करके कोई फायदा नहीं है। ये कुछ नया सीखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ इस सेशन में बिल्कुल नया है, एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सो डू लर्न दिस थिंग। ठीक है, तो एट लार्ज का मतलब क्या हो गया, फ्री। दूसरा हो गया बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, यूज्ड व्हेन यू आर सेइंग समथिंग दैट इज जनरली नॉट बट नॉट कंप्लीटली ट्रू। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बाय एंड लार्ज आई एंजॉयड माय टाइम एट स्कूल, यानी कि बाय एंड लार्ज अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैंने अपने स्कूल का समय एंजॉय किया, तो यहां पर एक मतलब यह हुआ। फिर कहता है गिव इट ए लार्ज, गिव इट लार्ज का मतलब हो गया टू एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, गिव इट लार्ज का मतलब हो गया टू एंजॉय योर सेल्फ बाई स्पेशली बाई डांसिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, तो गिव इट लार्ज का मतलब हो गया। दूसरा है इन लार्ज पार्ट,
इन लार्ज पार्ट का मतलब क्या हो जाता है, आप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक काफी ज्यादा एक्सटेंट तक, उसके लिए आ जाता है इन लार्ज पार्ट। इसके बाद लार्जर देन लाइफ, जैसे कि सलमान खान की मूवी, कैरेक्टर हमेशा कैसा होता है, लार्जर देन लाइफ, यानी कि जनरली ऐसा नहीं होगा बट यू एक्सेप्ट इट बिकॉज दैट्स भाई की मूवी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लार्जर देन लाइफ। फिर अगला है लूम लार्ज। लूम लार्ज का मतलब क्या होता है, लूम लार्ज का मतलब होता है जैसे कि मैं लिखूं कि द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर लूम्ड लार्ज, यानी कि वॉर होने के संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर लूम्ड लार्ज आफ्टर पुलवामा अटैक। तो लूम लार्ज का मतलब हो गया टू बी वरिंग और फ्राइटनिंग एंड सीम हार्ड टू अवॉइड, कि ऐसा लगना कि ये तो अब होकर ही रहेगा। तो जैसे आफ्टर पुलवामा अटैक द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर लूम्ड लार्ज, यानी कि ऐसा लग रहा था कि अब तो वॉर हो ही जाएगा, तो मतलब क्या हो जाता है, टू बी वरिंग, टू बी वरिंग और फ्राइटनिंग एंड सीम हार्ड टू अवॉइड, टू अवॉइड, ठीक है, इज कॉल्ड लूम लार्ज। अगला है रिट लार्ज। रिट लार्ज का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं, रिट लार्ज, रिट लार्ज का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टूड, एक मतलब हो गया कि लीजी टू इजी टू अंडरस्टूड, किसी के बहुत ही आसान होना समझने के लिए, इजी टू सी और अंडरस्टूड, बहुत आसानी से दिख रहा और आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए आएगा रिट लार्ज, ठीक। तो ये आपके सारे वर्ड आपके यहाँ पर आपने देख लिए, जितने भी हमने देखे रिट लार्ज और एट लार्ज से रिलेटेड। अब अगला क्या है यहाँ पर, आर्म सप्लायर अकम्प्लिस अरेस्टेड। अकम्प्लिस मतलब होता है अकम्प्लिस एड क्रॉनी, अकम्प्लिस एड क्रॉनी का मतलब हो गया पार्टनर इन क्राइम, जो भी व्यक्ति आपका किसी गलत काम को करने में आपका साथ दे रहा है उसको कहते हैं अकम्प्लिस एड क्रॉनी, मतलब जो साथ दे रहा है उसको, ठीक है। अब देखो ये हमारा अगला वो टर्म है आपका कि सेवन रेस्क्यूड एज फायर ब्रेक्स आउट इन पार्किंग लॉट। तो जो ये ब्रेकआउट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपको मिलेगा फायर के सेंस में। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, फायर जब भी आपकी कहीं पर फायर हो रही है, आग मतलब लग रही है, तो उसके लिए यही आता है, आग के फैलने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो यही होता है ब्रेकआउट होना। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से फैलना, आग का फैलने के लिए ही आता है ब्रेकआउट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे फ्रेजल वर्ब आपके लिख रखे हैं जितने भी ब्रेक से रिलेटेड हैं, तो एक बारी उनको देख लेते हैं और उनको समझ लेंगे और आफ्टर दैट फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेक अवे, ब्रेक अवे फ्रॉम समबडी, ब्रेक अवे फ्रॉम समबडी का मतलब होता है टू एस्केप सडनली, कहीं से अचानक से भाग जाना, टू एस्केप सडनली, क्या मतलब हुआ, ब्रेक अवे फ्रॉम समबडी मतलब टू एस्केप सडनली। ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी मशीनरी का अगर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो काम करना खत्म कर बंद कर रही है, तो टू फेल हो गया। कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब बुरी तरीके से रोने लगना है, टू क्राई बिटरली या बुरी तरीके से इमोशनल हो जाना, वो हो जाता है ब्रेकडाउन होना। अगला है ब्रेक इनटू या बार्ज इनटू। ब्रेक इनटू या बार्ज इनटू का मतलब हो जाता है धड़धड़ाते हुए घुस जाना, टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर बाय फोर्स, अचानक से किसी बिल्डिंग में कहीं पर भी बहुत ही धड़धड़ाते हुए घुस जाने के लिए आता है, टू एंटर बाय फोर्स। अगला है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है आपका ब्रेक समथिंग ऑफ या ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया टू बिकम सेपरेटेड, किसी से अलग होना, क्या होना, टू बिकम सेपरेटेड, किसी से अलग होने के लिए आता है आपका ब्रेक ऑफ होना, कर देना, करना, ठीक है, किसी से अलग होने के लिए। इसके बाद आता है ब्रेकआउट, मैंने बताया आपके आग वगैरह के फैलने के लिए आता है ब्रेकआउट, ठीक है, वॉर है, आग है, किसी चीज़ के फैलने के लिए आएगा ब्रेकआउट करना, ठीक है। टू स्टार्ट सडनली एक तरीके से। अगला है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मिलने का मतलब होता है किसी को, आपको किसी में सफलता मिलना, ब्रेक थ्रू मिला, जैसे द डॉक्टर्स हैज गॉट ब्रेक थ्रू इन द कैंसर क्योर, मतलब उनको एक सफलता मिला, टू गेट एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट मिलना, एक सफलता मिलने के लिए आता है आपका ब्रेक थ्रू मिलना, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या यूज हुआ है, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप आप लोग करते ही रहते हो तो आपको पता ही होगा ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है। ब्रेकअप का मीनिंग है मतलब किसी से अलग हो जाना, टू कम टू एन एंड, या अलग अलग दिशाओं में चले जाना, तो टू कम टू एन, टू कम टू एन एंड फॉर अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो दियर मैरिज हैज ब्रोकन अप, मतलब उनकी मैरिज टूट गई, तो ब्रोकअप मतलब पता सभी को, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, कहता है आपका टेक जाइंट्स नॉट शेयरिंग सी साईपैड स्ट्रगल्स विद लिमिटेड स्टाफ, तो ये आपका है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, 780 हेक्टेयर्स एक्यूमुलेटेड अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी सो फार। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, तो 780 हेक्टेयर अभी तक एक्यूमुलेट करी जा चुकी है, ठीक है।
इसके बाद आपका वन नेशन वन पोल सिसोदिया ऑफर्स फुल ऐप इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है किसी के, जैसे इन द वेक ऑफ इंसेफलाइटिस डेथ, तो इंसेफलाइटिस डेथ के जो वेक ऑफ, उसके जो रिजल्ट स्वरूप जो हो रहा है उसको कहते हैं इन द वेक ऑफ। नीड वाइट पेपर, वाइट पेपर का मतलब होता है कि मुझे ड्राफ्ट चाहिए, एक आइडिया चाहिए क्या होगा कैसे होगा, सिर्फ बातें करने का काम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो है ये सिर्फ स्लोगन है, ठीक है। यहाँ यूज हुआ है एलजी रिव्यूज वेस्ट टू कर्ब फीकल स्लज। फीकल स्लज मतलब हो गया जो आपका जो भी सीवेज वाला स्लज होता है उसी को बोलते हैं फीकल स्लज। फीकल मतलब हो गया रिलेटेड टू द स्लज पार्ट, रिलेटेड टू द वट एवर द मल वगैरह जो भी है उसको बोलते हैं स्लज, फीकल, ठीक है। फीकल इज द, आई नो द मीनिंग बट आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। फीकल मतलब हो जाता है एक तरीके से सॉलिड वेस्ट मटीरियल दैट लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मटीरियल जो आपकी बॉडी से निकलता है दैट इज कॉल्ड फीकल। चल तो इसके बाद कह रहे हैं बिहा अपोजिशन स्मेल्स आर एस एस आइडियोलॉजी बिहाइंड बिड। बिड मतलब अटेम्प्ट, बिड मतलब अटेम्प्ट भी होता है, बिड मतलब किसी को विश करना भी होता है, किसी को विश करना, ग्रीट करना, जैसे आई बिड गुड मॉर्निंग टू हिम, यानी कि आई बिड विश करना, अटेम्प्ट करना, वो भी होता है। वर्सिटीज का मतलब मैं बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटी होता है। डिफेंस ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर वही वाला आया जो हम चाहते थे। ऑर्डिनेंस की ये स्पेलिंग जरूर याद रखिए, ये होता है अध्यादेश, और जो ऑर्डिनेंस होता है वो ये होता है जिसका मतलब होता है आर्म्स फैक्ट्री, ठीक है, जो कानपुर में है। चलिए तो बाकी आपको पता है सारे वर्ड्स। इसके बाद कांग्रेस डिजॉल्व कर्नाटका पीसीसी, देर इज नो वर्ड हियर। एंड आफ्टर दैट आपने अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो इसमें आप ये वाला एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा, गेम ऑफ चिकन इन द गल्फ, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस गेम ऑफ चिकन। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द गेम ऑफ चिकन, तो आप लोग पढ़िएगा इसको, क्या है गेम ऑफ चिकन। तो ये बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, तो ये वाला एडिटोरियल आप लोग पढ़िएगा अपनी मर्जी से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको अगर सेशन पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि ये हेल्पफुल था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप अगर और कुछ नहीं तो सिर्फ इतना लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, यस अटेंडेड द सेशन, आप बस इतना लिख दीजिए कि अटेंडेड, ठीक है। अटेंडेड अगर आप लिखेंगे तो लगेगा कि हाँ, मतलब मुझे लगेगा कि आप लोगों ने सेशन देखा है एंड यू आर विद मी। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिख देना है यस अटेंडेड, ठीक है, अटेंडेड इतना लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, दैट विल बी सो मच फॉर मी, उतना ही बता दीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे पूरे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है जो कि है अमन त्रिवेदी टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अमन त्रिवेदी रेफरल कोड यूज़ करेंगे, एंड इट्स बेटर कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। सो लेट्स कीप इट टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, जितना भी वो कैप पढ़ाया है इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। एक बार ही मैं आपके सारे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जितना भी हमने पढ़ा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा एंड आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।